अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज किरण बाय केएसबी वर्ल्ड 786। तो जी हाँ, एक और नई और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। और मोस्ट ट्रेंडिंग रेसिपी है ये। मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे मैंने कहा चले आज हम लोग बनाते हैं चिकन मोमोज। तो उसके लिए डो रेडी करेंगे, फिर उसका कीमा रेडी करेंगे चिकन का, फिर उसके बाद इसकी मैं आपको मोमोज की जो एक स्पेसिफिक सॉस होती है वो बनाना सिखाऊंगी। चलें जनाब, लेट्स गो। चिकन मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 kg 500 ग्राम के करीब मैदा, चॉप्ड गार्लिक, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जैसे मैं यूज़ करूंगी, सोया सॉस, ग्रीन अनियन फाइनली चॉप्ड, कैबेज फाइनली चॉप्ड, सॉल्ट पर टेस्ट, बटर, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन 500 ग्राम्स आधा किलो के करीब। ये 1/2 kg मैदा है, इसमें 2 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल डालेंगे हम। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये डो इज रेडी। इसको मैंने निकाल के इसको और अच्छी तरह से मैंने धो लिया। व्यूअर्स, ये हमने एक बड़ा सा पतीला ले लिया, इसमें पानी डाला है। इसमें स्टीमर, कोई भी आपके पास ऐसा स्टीमर का जो ट्रे होता है वो है, तो उसके ऊपर आपने न्यू ऑयल स्प्रेड कर लेना। अब हम कीमा मोमोज के लिए रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 अदद लिया है प्याज, इसको हम चॉप करेंगे। साथ ही इसमें हमारा चिकन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ये कीमा हमारा रेडी है और इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैबेज एज़ पर योर टेस्ट। मैं एक छोटी प्याली डाल रही हूँ, हरा प्याज आधी प्याली, ये बाकी हम सॉस में यूज़ करेंगे। 1 से 2 चम्मच टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 फुल टीस्पून ऑफ वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, ये चॉप्ड गार्लिक इसमें जाएगा 1 and 2 टेबलस्पून। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है मोमोज में। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 to 5 tablespoons मैं सोया सॉस के यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच भर के बटर का यूज़ कर रही हूँ। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं। इसमें हम बनाएंगे सॉस, मोमोज की सॉस। उसके लिए हमने ये सॉस डालनी है जो मैंने आपको शाशलिक की ग्रेवी के लिए बनाना सिखाई थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो ये बहुत हॉट स्पाइसी होती है, तो क्योंकि कोरियन जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग इतना स्पाइसी नहीं खा सकते। मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है। ये सॉस बना के मैं रख दूँगी तो इन फ्यूचर भी यूज़ हो जाएगी। और इसमें फाइनली चॉप जो मेरा गार्लिक था 1 चम्मच भर के टेबलस्पून ये जाएगा। इसमें 1 चम्मच भर के हमारा चीनी का जाएगा, धनिया जाएगा थोड़ा सा, वो लोग पार्सली यूज़ करते हैं तो मेरे पास धनिया अवेलेबल है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही हरा प्याज जाएगा, इसके साथ ही ये 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, बल्कि हम इसको 3 टेबलस्पून कर लेते हैं, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गरम किया हुआ ऑलिव ऑयल 1 से 2 चम्मच। इसका अरोमा बहुत मज़े का आएगा। चलिए जी, आपको नेक्स्ट इसका दिखाते हैं। इसमें जो शुगर हमने ऐड की थी वो मेल्ट हो जाएगी ये ऑयल के साथ भी, और सुभान अल्लाह माशाल्लाह
बहुत ही मज़े की ये सॉस तैयार हो गई है। वो हाफ के जी डो थी उसको गूंद के इसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। जी व्यूअर्स, ये देखिए हम इसको बेल रहे हैं, इसको इतना हमने बेलना है, ये चीज़ हमारी थिन होनी ज़रूरी है, ये आप देख रहे हैं, इसे और मज़ीद हम थिन करेंगे। ये एक अदद हमने कटर ले लिया, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी जार का आर्टिकल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इसे हम एक जैसे कट कर लेंगे, मैं ज़रा बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, वैसे जो कटर आए हैं वो छोटे हैं, एक हम चलेंगे मिड में स्मॉल बना देते हैं, ठीक है। एक सारे हो गए, ये हमने जो उसको कटर से काटा था उसको हम और थिनली थोड़ा सा बेलेंगे। तो ये व्यूअर्स हमने इसको सांचे पे रखा और यहाँ पे थोड़ी फिलिंग ली, तो स्प्रेड किया और पानी रहे। जनाब ये ज़रा काम एहतियात से होने वाला है, जो एक्सेस से हमारा वो रिमूव हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ज़बरदस्त हमारे डंपलिंग्स मोमोज तैयार हुए हैं। इसी तरह वन बाय वन हम डंपलिंग्स को रेडी कर लेंगे। अब एक हम आपको हाथ से बनाना सिखाते हैं, जिनके पास सांचा नहीं है, सेंटर से इसको ज्वाइन करना है और यहाँ से ये देखें जी एक डंपलिंग की ये भी शेप हमारी रेडी है। एक और शेप हम ट्राई करते हैं जी, इसको सब तरफ से जोड़ लेंगे और ये देखिए जी तीन शेप्स हो गई। तो व्यूअर्स, ये मैंने मुख्तलिफ स्टाइल के और साइज़ के जो मोमोज हैं डंपलिंग्स वो रेडी कर दिए। सिमर हमारा रेडी है, इसमें हमारे जाएंगे मोमोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम में रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो गाइस ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे मोमोज रेडी हैं, अनदर स्लॉट ऑफ मोमोज। माशाल्लाह हाफ के जी जो हमने मैदा लिया था उसके अंदर मेरे अराउंड 35-40 बन गए हैं। आपने अगर कम बनाने या ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उसकी रेशो कम करते जाएं चीज़ों की। जो मैंने सॉस बनाई थी उसको हम इसके ऊपर ब्रशिंग कर देते हैं। और एक चीज़ और, क्योंकि हम लोगों का टेस्ट इतना डेवलप नहीं होता इस सॉस वगैरह के लिए, तो अगर आपको ये ज़्यादा सावर लगती है, खट्टी लगती है, तो आप इसके अंदर केचप मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। ये स्टीम मोमोज आर रेडी टू ईट। अच्छा एक चीज़ गाइज मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हम इसको ग्रिल करके भी खा सकते हैं, लाइक आफ्टर स्टीम अगर आप इसको देना चाहें तो ग्रिल पैन में हल्का सा ऑयल करके, तो इसको आप ऊपर कलर देके भी खा सकते हैं। इट्स अप टू यू, मैरिनेशन भी आपके ऊपर है, वेरिएशंस आप खुद भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स मैं आपको इसके अंदर से भी दिखा दूँ, ये देखिए इसकी डो, माउथ वाटरिंग माशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।